तो यार, तो कल फिर से सुपर का एक नया ट्रेलर आने वाला है। जो पहले ब्रॉली का ट्रेलर आया था, ये उससे एकदम अलग होने वाला है। अभी परसों एक इमेज निकल के सामने आई थी। उस इमेज में अगर गौर किया जाए तो उसमें ब्रॉली, गोकू और वेजिटा है, और एक बंदे का सिर्फ बॉडी शेप है, और उसपे क्वेश्चन मार्क लगा है कि ये कौन है। और स्कैन्स में ये लिख के आता है कि ये जो भी बंदा होगा, इसका रोल मूवी में बहुत बड़ा होने वाला है, और ये भी ब्रॉली के साथ फाइट में हिस्सा लेगा, मतलब ब्रॉली के खिलाफ। अब यहाँ टॉय वालों ने ये क्यों नहीं कहे कि ये भी गोकू और वेजिटा के साथ फाइट में हिस्सा लेगा? क्या ये चीज ये इशारा करती है कि वो फाइटर और कोई नहीं, गोकू और वेजिटा का फ्यूजन गोजिटा होने वाला है? क्योंकि तुमको याद है, टूर्नामेंट ऑफ पावर में एक सीक्रेट वॉरियर की बात हुई थी कि वो सीक्रेट वॉरियर यूनिवर्स 6 का होगा या शांपा के यूनिवर्स का है। और उस वक्त फ्यूजन होने से पहले जब हम ये बात पर कंफ्यूज थे कि फ्यूजन तो यार अलाउड नहीं है, फिर तो टूर्नामेंट ऑफ पावर में न्यू वॉरियर तो शायद पक्का आया होगा, और उस वक्त पर वो नेमेकिन रिवील भी नहीं हुए थे। तो हमने ये समझ के चले थे कि भाई ये पक्का कोई न्यू सेयन है जो बहुत कड़ी टक्कर देने वाला है टूर्नामेंट ऑफ पावर में सभी को। और याद होगा उस वक्त एक ऐसी इमेज आई थी जिसमें सिर्फ बॉडी शेप था और उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया था। बहुत लोगों को लगा था कि ये शायद हिट होने वाला है, क्योंकि हिट पहले से ही बाहर जा चुका था, तो लोगों को लगा कि मे बी हिट शायद अपने क्लोन के जरिए फिर से वापस आए। पर हुआ ये सबका उल्टा, वो न्यू वॉरियर पोटारा फ्यूजन का रिजल्ट था जो कि सबके सामने निकल के आया। देखो, ये कंफर्म नहीं है कि गोजिटा आए, पर आंकड़ों से साबित होता है कि गोजिटा आए। चलो छोड़ो, गोजिटा नहीं आया, क्या उसके जगह पर और कोई नया सेन आ सकता है जिसका पावर लेवल ब्रॉली से भी ज्यादा हो? क्योंकि देखो, सेन सिर्फ गोकू, वेजिटा, ब्रॉली तक ही समेट के नहीं रह जाएंगे। और ब्रॉली भले से ही अभी कैनन हुआ हो, पर उसको हम बचपन से जानते हैं, उसका नाम जानते हैं, और उसको हम बचपन से देखते आ रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक नया कैरेक्टर नहीं हुआ, राइट? तो कब तक टोरियामा सर यही पुराने कैरेक्टर को स्टोरी में घुमाते रहेंगे? क्या अब कोई और नया कैरेक्टर उनको देने की जरूरत है जिससे आगे वो उस कैरेक्टर के जरिए सुपर की स्टोरी को एक अलग लेवल पर लेके जा सके? क्योंकि सबको पता है मूवी सेंस के पास्ट के बारे में होने वाली है, और मूवी में वही पेरेगस, वही ब्रॉली, उसके गले का मंगलसूत्र जिससे ब्रॉली को कंट्रोल करते हैं, सब वही है जैसी पुरानी मूवी में था। सेम टू सेम वैसे ही कैरेक्टर भी पुरानी मूवी के हैं। और अगर पेरेगस सेन के इतिहास में जाएगा तो वो शायद किंग वेजिटा तक ये सब के बारे में ही बताएगा। पर क्या होगा अगर एक और इससे भी पुराना सेन मूवी में एंट्री मार ले और वो खुद पेरेगस और गोकू वेजिटा को और ज्यादा पास्ट में लेके चले जाए? और मैं चाहता हूँ ऐसा हो, क्योंकि अब जरूरत है थोड़े नए कैरेक्टर की। जैसे बीरस के आने से स्टोरी कितनी घूम गई, पहले बीरस के भाई शांपा को इंट्रोड्यूस किए, फिर बीरस के जरिए और वीस के जरिए हमको पता लगा कि जैसे ये हमारे यूनिवर्स के गॉड हैं, वैसे और भी यूनिवर्स हैं जिसमें और भी पावरफुल लोग हुआ करते हैं। वरना मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या किसी को ड्रैगन बॉल जी के टाइम पर अंदाजा भी था कि बीरस करके कल का कोई फ्यूचर में कैरेक्टर आएगा या जिरन आएगा? तुम खुद सोचो, एक कैरेक्टर के जरिए हमारे सामने कितने कैरेक्टर्स आए, और हर कैरेक्टर अपनी एक अलग अलग स्टोरी लेके आया। वरना अगर बीरस नहीं आता ड्रैगन बॉल जी के बाद कोई नहीं कैरेक्टर वरना अगर बीरस नहीं आता ड्रैगन बॉल जी के बाद कोई नए कैरेक्टर शायद नहीं आते, तो ड्रैगन बॉल जी शायद आज वही अर्थ और वही सुपर सेन में ही समेट के रह जाता। गोकू शायद गॉड्स की पावर हासिल नहीं कर पाता और वीस के साथ ट्रेनिंग नहीं कर पाता, और उसको अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बारे में शायद पता नहीं लगता। तो सिर्फ एक कैरेक्टर ही बहुत है जो पूरी स्टोरी को डाइवर्ट कर सकता है। उसके जरिए और भी नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होंगे जो स्टोरी को एक नई दिशा में लेके जाएंगे। क्योंकि अगर ड्रैगन बॉल सुपर बंद हुआ है तो शायद वो इसलिए बंद किया गया हो जिसे अब ये सुपर वाले यूनिवर्स और गॉड से थोड़ा और आगे बढ़ पाए, सिर्फ इसमें ही समेट के नहीं रह जाए। जैसे पहले ड्रैगन बॉल जी में था कि सिर्फ टाइम चेंबर और कायोशिन तक हम सिमट के रह गए थे, इसीलिए बीरस को लेके आओ, थोड़ा स्टोरी को डाइवर्ट करो। और सच्ची में स्टोरी बहुत ही ज्यादा डाइवर्ट हुई, किसी की सोच भी नहीं पहुंच सकती थी जो इन्होंने बीरस को इंट्रोड्यूस करके पूरी न्यू स्टोरी सामने लाए हैं। पर कल साफ हो जाएगा कि आखिर वो वॉरियर कौन होने वाला है, फ्यूजन होगा या कोई नया होगा, या फिर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट रिबॉर्न होगा और एक और नया तूफान फिर से प्रकट होगा, और वो कैरेक्टर की समझ लो एक तरह से वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है, और ब्रॉली, गोकू और वेजिटा से ज्यादा उस कैरेक्टर का बड़ा योगदान होने वाला है। क्या वो कैरेक्टर ऐसा कोई सेयन होगा जो हर सेयन से एकदम अलग होगा, उसकी हर सेयन से ऑरा एकदम अलग होगी और सब टेक्निक्स भी एकदम अलग होगी? और ये कंफर्म है एक नया कैरेक्टर ये मूवी में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेने वाला है, तो उसके लिए रेडी हो जाओ। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक करो, और कल फिर से मेरी एक न्यू वीडियो आएगी न्यू ट्रेलर आने के बाद, और मेरे इंस्टाग्राम पर जाओ यार और फॉलो करो। और फिर से कहता हूँ, लाइक किए बिना जाना मत, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, भगवान करे उसके शहर में ड्रैगन बॉल सुपर की मूवी ना लगे, तो सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते।
खुदाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।